अरे स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे। आई होप आपने जो है पहली एक्सरसाइज करी होगी। 1.3 मैंने सिखाई थी, उसको लाइक करा होगा, शेयर करा होगा, सब्सक्राइब करा होगा। नहीं करा होगा तो आप आगे करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमको ये इसको क्लासिफाई करना है कि ये रेशनल्स हैं या इरेशनल। फर्स्ट पार्ट है आपका 2 - √5, सेकंड 3 + √23, -√23, 2 √7 / √7, 1 / √2 / 2π। आपको स्टूडेंट मैंने बताया था, जो भी जिसमें हमारे पास ये रूट लगा रहता है, इस टाइप का जो भी होता है जिसमें से हम रूट को रिमूव नहीं कर सकते, मतलब इसको हम अगर इसी तरीके से रहता है तो ये क्या होते हैं हमारे पास, इरेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ से देखिए, क्या हम इसमें से √5 को रिमूव कर सकते हैं? और अगर हम रिमूव करते हैं तो वो जो आता है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो हमको ये क्या होगा, √5 की हम कुछ भी करेंगे स्टूडेंट, एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस हो या सम हो, जनरली डिफरेंस हो, तो वो क्या होता है, हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है। तो आपका ये फर्स्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सेकंड पार्ट को, 3 + √23, यहाँ से आप √23 आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, आपके पास आता है 3 / 1, ये क्या हो गया आपका, एक p / q टाइप है, तो इट इज रेशनल नंबर। यहाँ से देखिए आप, ये √7 कैंसिल आउट होता है, यू आर लेफ्ट विद 2/7 विच इज p / q टाइप है, और p / q टाइप जो होता है वो क्या होता है आपका, एक रेशनल नंबर होता है। 1/√2 स्टूडेंट, इसको अगर हम √2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या होगा, √2/2, यहाँ से हमारा ये √2 एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा आपका, एक इरेशनल नंबर होगा। पाई क्या होता है, हमेशा हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, तो 2 से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 + √3 मल्टीप्लाई बाई 2 + √2। स्टूडेंट इसको हम कैसे करते हैं, पहले इस 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + √2, फिर इस √3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, 2 + √2। पहले हम ऐसे नोट डाउन करते हैं, देन फिर 3 से 3 × 2 = 6 + 3 √2 प्लस यहाँ पर आएगा 2 √3 + √6। स्टूडेंट रूट ए इंटू रूट बी जो होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए भी लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर आप देखेंगे सब क्या है, यहाँ पर सारी ये सब चीज़ें क्या है, डिफरेंट है, तो √2 √3 में आपस में ऐड नहीं हो सकता, √6 भी इनमें किसी में ऐड नहीं हो सकता, तो ये दैट इज़ योर आंसर। सेकंड पार्ट है आपका, यहाँ पर देखेंगे आप, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती है a + b (a - b) = a² - b². यहाँ पर देखिए ये a + b और a - b, तो हमारे पास क्या है, हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ a² - b² 3 का स्क्वायर आपके पास 9 और √3 का स्क्वायर 3 है, आपके पास 9 - 3 = 6, दैट इज योर आंसर। थर्ड पार्ट है आपका √5 + √2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप जानते हैं कि a + b होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a² + 2ab + b² यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² आपका क्या हो गया √5² + 2ab (√5 × √2) + √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 है, यहाँ पर ये 2, √5 √2 × √10 हो जाता है, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 आ गया। 5 + 2 = 7 + 2 √10, दैट इज योर आंसर। फोर्थ पार्ट है √5 - √2
इंटू रूट फाइव प्लस रूट टू, ये भी आपका वही हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप करेंगे तो रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, रूट फाइव का स्क्वायर आपका आ गया फाइव और रूट टू का स्क्वायर आपका टू थ्री, दैट इज योर आंसर। स्टूडेंट इज क्वेश्चन नंबर फोर रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है। हमको क्या करना है इसमें 9.3 को, रूट 9.3 को इस नंबर लाइन पर शो करना है। हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ए बी हमने कोई लाइन ड्रॉ करी 9.3 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी है 9.3। इसके बाद क्या करते हैं इसमें प्लस वन करते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ से वन सेंटीमीटर बी सी हमने कट करा, कितना करा वन सेंटीमीटर। इसके बाद हम ए और सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। कैसे मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पर रखता हम कंपास, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं, आर्क लगाएंगे हम इस साइड से भी आर्क लगाएंगे और सेम डिस्टेंस से फिर हम इस साइड से आर्क लगाते हैं, तो आपके पास इस तरीके से आर्क लग जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इनको हम ज्वाइन करेंगे तो इसका जो भी पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। इसको हमने ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर जो भी पॉइंट आया दैट इज मिड पॉइंट। सपोज ये पॉइंट हमारा क्या आ गया ओ आ गया, इस पॉइंट को हम ओ ले लेते हैं दैट इज ओ। अब हम ये ओ सी या ओ ए रेडियस लेकर कंपास में और यहां से हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं। वो सेमी सर्किल आपका जो होगा वो इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पर बन गया क्या बन गया ये ओ सी आपका सेमी सर्किल बन गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, इस बी पॉइंट पर हम क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री का एंगल आपको पता है कैसे बनता है, एक आर्क लगाएंगे कट कर कर हम यहाँ से ये बनाते हैं, इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं। सपोज ये हमारा डी पॉइंट बी डी। इसके बाद स्टूडेंट हम कंपास में ये बी डी डिस्टेंस लेते हैं और बी डी डिस्टेंस से हम यहाँ पर ये नंबर लाइन पर कट कर देंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस लेकर हम ये कट कर देंगे, दिस इज ई। ठीक है स्टूडेंट, ये जो बी ई पॉइंट है आपका, ये जो बी ई पार्ट है दिस इज रूट 9.3। यहाँ से यहाँ तक जो आपको नंबर लाइन पे शो करेगा दिस इज रूट 9.3। इसको आप इस तरीके से बनाएंगे और इसके स्टेप्स भी आपको लिखने होते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए बी, सबसे फर्स्ट पार्ट है स्टेप वन, ड्रॉ ए बी इक्वल्स टू 9.3 सेंटीमीटर। इसके बाद आप सेकंड पार्ट में ड्रॉ बी सी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रॉम मिड पॉइंट O draw and OAS radius, draw semicircle। थर्ड स्टेप आपका, फोर्थ स्टेप क्या आएगा, draw BD, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर एट बी। इसके बाद बी डी कंपास में लेकर हम ई को मार्क कर लेते हैं नंबर लाइन, फ्रॉम बी कट एन आर्क बी ई, BE is a required root 9.3। एक्सरसाइज 5 स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब चैनल अच्छा लगा स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो, और ताकि आपको नई नई वीडियोज मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।